जोहार स्टूडेंट, आप सभी के सामने आज एक चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी, जो कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पता है फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई चीज़ का डेवलपमेंट होना, डेवलप्ड होना। ओके, तो आज हम मेरा टारगेट ये रहेगा, टुडेज टारगेट, कि कुछ कुछ मैं इंडियन इकोनॉमिक जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और ये बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो कि आपके स्किल पे कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में आपको अप्रोच करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, सबसे पहले हमको एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे करना पड़ेगा। और सेकंड में क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप एजुकेशन पे खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। और थर्ड में है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हो या बीएड में हो या कोई भी क्लास में हो, उसे मतलब नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई करते करते वहीं पर जॉब करना, उसमें क्या होगा, स्किल्स, जो हमारे स्किल्स है वो अपने आप डेवलप्ड होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सेकेंड में है, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देखिए, कोई भी चीज़ हो, इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको आगे का स्टेप क्या लेना है, तो वो इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड में है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारे इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। फर्स्ट में हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतना है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन क्या इसमें, जैसे कि एक में आया सिक्स में प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे भारत एक टाइम पे क्या, मतलब सॉरी, हमारे भारत में क्या क्या फेस करते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन सबसे पहला बात है, लैक ऑफ एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो आप कहीं कोई भी फील्ड में आप फेस नहीं कर सकते, कोई भी फील्ड हो। तो सेकेंड में है कि इन इंडिया में राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे डिमेरिट है हमारे इंडिया के कि राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और सेकेंड में है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि इंडिया के लोग इंडिया में काम करना नहीं चाहते। वाई? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न यह है कि अगर कोई एक टीचर है, टीचर को लगता है कि हमें, मतलब 1 लाख सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन उनको इंडिया पे नहीं मिल पाती है, 50,000 मिलती है, तो वो चाहती है कि हम इंडिया पे ना काम करके फॉरेन में जाके काम करें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन।